हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सी एस पायल भोपली और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। सी, रिलेटिवली ये वाला इंश्योरेंस थोड़ा सा हमने सुना हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम गाड़ियां चलाते हैं, हमें पता है जब भी हम गाड़ी रोड पर निकालते हैं, अगर पुलिस वालों से इनकाउंटर हो जाता है तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या आपके पास इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप गाड़ी में हैं, कार में हैं, तो आपको अपने साथ इंश्योरेंस पेपर्स कैरी करने पड़ते हैं। तो इज़ इट कंपल्सरी? यस इट इज़। कैसे, क्या है, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने नहीं सुना है इस कॉन्सेप्ट को, उनके लिए मैं ये डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दैट फर्स्ट से दिस डायग्राम, ये एक इंसान था जिसने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा था। इसकी गाड़ी के पीछे लर्नर्स लाइसेंस, वो लर्नर्स वाला एल साइन होता है ना, वो मिसिंग था। इनने जल्दी से क्या किया, रोड पे गाड़ी निकाल ली आउट ऑफ एक्साइटमेंट और आगे जाके एक इंसान को टक्कर मार दी। अब ये सामने वाला इंसान बहुत बुरी तरह से क्या हो गया, घायल हो गया। अब जब ऐसा होगा तो अगर आपने देखा है कहीं पे भी ऐसा एक्सीडेंट होते हुए, तो सामने वाला खड़े होकर सबसे पहले बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ और जो भी खर्चा होगा वो तुम पे करोगे। मतलब यू नीड टू पे कॉम्पेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे गलती किसकी थी, तुम्हारी थी। ठीक है, तो अब ये इंसान सोचेगा अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया मेरे को बहुत बड़ा खर्चा बेयर करना पड़ेगा, बहुत एडिशनल खर्चा बेयर करना पड़ेगा, विच इज़ अ लॉस फॉर हुम, दिस पर्सन। तो ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए, ऐसे लॉस को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली वो इंश्योरेंस होता है जो गाड़ियों पे लिया जाता है, सो दैट अगर आपके हाथ से कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस सिनेरियो में जो भी लॉस आपको बेयर करना पड़ा है, जो भी आपको अपने जेब से निकाल के सामने वाले इंसान को देना पड़ा है, वो आप क्या करो, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी से मांग लो। क्यों? क्योंकि आपने ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस लिया हुआ था। ये भी ईयरली बेसिस पे होता है, आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है और फर्स्ट इसका प्रीमियम भी आप पे डिपेंड करता है, लमसम में जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट में जाएगा। ओके, फिर यहाँ तक आई गेस समझ में आया है। अब अपन जंप करते हैं इस तरफ। इधर आई हैव रिटन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस हो गई एक पार्टी, दूसरी पार्टी कौन हुआ, ये इंसान। तो ये तीसरी पार्टी है जिसका एक्चुअली नुकसान हुआ है और इस पार्टी के लिए हम क्या ले रहे हैं, कॉम्पेंसेशन देने के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ये पार्टी क्या कहलाई जाती है, थर्ड पार्टी कहलाई जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस इंश्योरेंस को हमने कॉमन टर्म्स में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही बोलना स्टार्ट कर दिया है। आई एम रिपीटिंग, यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, एक इंसान था, सड़क पे जा रहा था अपनी गाड़ी में और अचानक से उसके सामने एक इंसान आ गया और उसने उसको टक्कर मार दी। अब वो इंसान घायल हो गया, तो उसके उसको सही करवाने में, उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाने में जो भी खर्चा इनकर करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, इस इंसान को जिसने एक्चुअली एक्सीडेंट किया है। तो ये इंसान जब खर्चा बेयर कर रहा होगा तो इसको बहुत बड़ी रकम पे करनी पड़ेगी, जिसके जो इसके लिए बहुत क्या हो जाएगा, लॉस वाली थिंग हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने एक नया इंश्योरेंस निकाला था, विच वॉज नोन एज मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स पे लिया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसको मोटर व्हीकल बोलते हैं। प्लस इसका एक और टर्म है जिससे इसको जाना जाता है, दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। किसके लिए लिया जाता है, थर्ड पार्टी के लिए, मतलब किसी और इंसान के लिए लिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है, इन इंडिया इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इंडिया में इस तरह का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है, आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे हम बाकी सारे इंश्योरेंस की बात करें, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, फॉर से हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर से फायर इंश्योरेंस, क्या हमने डिसाइड की, मतलब क्या हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती की थी कि हमें लेना पड़ा, क्या ज़बरदस्ती कोई हमें बोलता है नहीं नहीं आप तो लीजिए, ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पे आपकी चॉइस चलती है। लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली ऐसे तरह का इंश्योरेंस है जहाँ पे आपकी चॉइस नहीं चलती है, यहाँ पे बेसिकली आपको मैंडेटरी वे में लेना पड़ता है, क्योंकि यू आर ओनिंग व्हाट, अ कार।
किसको लेना पड़ता है, जो गाड़ी का मालिक होता है, कार का मालिक होता है, उसको लेना पड़ता है अपनी गाड़ी पे। और कब लेना पड़ता है, जब वो एक्चुअली रोड पे आ गया है चलाने के लिए। मतलब अगर वो गाड़ी उसके घर पे पड़ी हुई है या फिर शोरूम में पड़ी हुई है तब उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही रोड पे वो उसे निकालेगा उस टाइम पे ही नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फिर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ है कि ये कॉम्पेंसेशन थर्ड पार्टी को तो दे देता है, उसके अलावा क्या करता है। फर्स्ट से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मानिए ये भी अपनी गाड़ी पे होता और गाड़ी से गाड़ी टकराती तो क्या होता, दोनों गाड़ियों का नुकसान होता। अब गाड़ी का नुकसान हुआ है तो मतलब उसको ठीक कराने में रिपेयरिंग चार्जेस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। फर्स्ट से 50,000 रुपये आपको क्या लग गए, रिपेयरिंग के चार्जेस लग गए। अब एक ही बार में आपको इतनी चपत लग जाएगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही लॉस वाला इंस्टेंस हो जाएगा। इसलिए ये बोलते हैं ऐसा नहीं कीजिए, आप पहले ही मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेके रखिए, सो दैट जितना भी गाड़ी का नुकसान होता है वो हम इंश्योरेंस के पैसे से क्या करवा पाएँ, ठीक करवा पाएँ, उसको रिपेयर करा पाएँ। अब मैम ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्या किया, हमारी गाड़ी ऑलरेडी थोड़ी बहुत ठुकी हुई थी और हमने क्या किया उसके बाद जाके इंश्योरेंस ले लिया स्मार्टनेस दिखाते हुए, कि हम क्या करेंगे इंश्योरेंस लेने के बाद एकदम से बोलेंगे हमारा एक्सीडेंट हो गया तो प्लीज़ रिपेयर कर दीजिए, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्मार्ट हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो क्या करते हैं, जब भी आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं वो सामने से आपको बोलते हैं कि आप पहले हमें फ़ोटो खींचने दीजिए अपनी गाड़ी की, और वो हर एंगल से पहले फ़ोटो खींचते हैं, जो मतलब सारी चीज़ें नोट करते हैं, इंजन वगैरह खुलवा के देखते हैं, सो दैट वो देख पाए कि ऑलरेडी गाड़ी कितनी डैमेज है। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है तो उसका कॉम्पेंसेशन आपको कैसे पे किया जाता है, गाड़ियों की दोबारा हालत देख के। अगर एक्सीडेंट में लगता है कि इससे ज़्यादा जो पहले कंडीशन थी उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है तो वो आपको एडिशनल कॉम्पेंसेशन देंगे, लेकिन गाड़ी की हालत अगर उतनी ही बुरी हुई तो कॉम्पेंसेशन आपका नहीं बनता है। एंड अगर गाड़ी ऑलरेडी बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है तो उसका प्रीमियम अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। क्यों? क्योंकि उसको ठीक कराने में भी ज़्यादा खर्चा आएगा, प्लस हो सकता है अगर गाड़ी जितनी महंगी हो उसके पार्ट जितने महंगे बिके उतना ही उसका इंश्योरेंस भी क्या हो, महंगा बिके। सो दीज आर सम थिंग्स रिलेटेड टू व्हाट, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अब आई जस्ट रिवाइज इट, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इसने क्या किया, इसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा, उसके लिए उसने इंश्योरेंस ले लिया। कौन सा इंश्योरेंस लिया, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लिया। इस साइड बात करें तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हैं जिसका भी हम एक्सीडेंट करने वाले हैं। फिर इंडिया में ये क्या है, कंपल्सरी कॉन्सेप्ट है कि कार ऑनर्स को तो ये इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, और तभी जब भी हम रोड पे निकलते हैं पुलिस वाले चेकिंग के लिए खड़े होते हैं तो वो इस इंश्योरेंस के बारे में आपसे ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि ये लेना मैंडेटरी होता है। एंड अगर आपकी गाड़ी को भी कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसी इंश्योरेंस के पैसे से अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हो। और जब भी आप ये इंश्योरेंस लेते हो तो क्या किया जाता है, आपकी गाड़ी की फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, सो दैट आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुद्धू ना बना पाओ और बेसिकली उनको लूटने का काम नहीं कर पाओ। सो दैट वाज इट अबाउट मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अब हम नेक्स्ट और ही एक जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पे आप PDF फाइल्स में यू कैन ईजिली एक्सेस द नोट्स एज, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। विद दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।